नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। केएमपी जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है वहां पे किसानों का चक्का जाम चल रहा है। 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, सरकार खामोश है, चुनाव में बिजी है। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, अमित शाह जी की रैली होती है और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली होने वाली है बंगाल के अंदर। तो क्या कुछ रुख है किसान आंदोलन का 100 दिनों के बाद, इसको समझते हैं। और जो लोगों के अंदर अभी भी वही जुनून और जज्बा कायम है जो 100 दिन पहले था, कि कुछ कमी आई है, इन्हीं चीजों पे बात करते हैं। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाबा जी 100 दिन हो गए, सरकार मान नहीं रही है, क्या कहेंगे? हम जिला दर्ज देते नहीं, जाएंगे नहीं। हाँ, सड़क पे बैठे हैं आप, गर्मी पड़ रही है, दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मजे में है? मजे है, मैं है। ठीक है, देखिए जो लोग हैं बिल्कुल तहे दिल से अभी भी किसान आंदोलन के लिए समर्पित हैं। और यहाँ पे देखिए लोग जो पेरिफेरल हाईवे पे आए हैं, जलेबी खाया जा रहा है, बाकी बाकायदा पूरी व्यवस्था है पानी की, खाने की। गर्मी भी बढ़ गई है तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्या कहेंगे बाबा जी सरकार को? जो मुर्दाबाद कहेगा इसको, इसका जो करेगा जीत के जाएगा, हार के नहीं जाएगा। जे तो मुक्केगा काम होते जाएगा, होते नहीं जाएगा, पड़ा 2 महीने लग जाएगा, साल लग जाएगा, पड़ा नहीं जाएगा। 100 दिन हो गए, आप लोग सरकार सुन नहीं रही है, कानून माड़िया जटा से माड़ी हालत हो जानी है। ये जो भी पहलियां से डाका मारना चाहती सरकार, ये जटा की बेहमती है, जट रल के इन दोबारा फिर घोल दड़न। मतलब सरकार को जब तक झुका नहीं लेंगे ये लोग, तब तक पीछे हटने वाले नहीं है, साफ तौर पे चेतावनी दी जाएगी। क्या कहेंगे भैया? क्या कहना है, बैठे हैं टिके हुए, जल कानून तो आपकी बात सुन नहीं रही है, नहीं सुन रहे, बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी कल रैली करने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। आप भी जाएंगे बंगाल? जाएंगे बंगाल में जाएंगे। तो क्या करेंगे बंगाल जाके? बोलेंगे, उसके विरोध में बोलेंगे, खूब बोलेंगे, डट के हमारे नेता जाएंगे। आपके ऊपर राजद्रोह का केस लगा देंगे तो क्या करेंगे? बेचक्कर कोई बात नहीं, बथेरा लगा लिया, अंदर कर लिया, आप कितना साफ छूट जाएंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, छूट जाएंगे। हाँ, छूट जाएंगे, बोलेंगे जाके बंगाल में, देखना। कोई डर नहीं है आपको? हमारे बंदे हैं वहाँ कलकत्ते में, क्या कोई डर है आपको कि जिस तरह से ये बता रहे हैं बंगाल मरने के लिए आ रहे हैं, यहाँ मर के ही जाएंगे, या कानून वापस या मर के जाएंगे? कानून वापस तो कहाँ ले रही सरकार, 100 दिन से आंदोलन कर रहे हो आप लोग। नहीं लेगा तो हम भी यही रहेंगे, यही रहेंगे, हम भी यहीं पे डटे रहोगे आप सब? बिल्कुल, जाओगे नहीं? चाहते नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। 100 दिन हो गई सरकार तो सुनी नहीं रही आपकी बात, 200 दिन हो चुके ना, कितने दिन में सुनियो, हम जावांगे नहीं। 100 दिन की हो गई आप लोग, अभी सुननी होती तो बात सुन लेते हैं। अब तक सानू चाहे तो सानू शहीद होना पवा, पर असी जित का जावांगे। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਥਲੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਬ ਤੱਕ ਹਮ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਗਾਓਂ ਤੀਤਰਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਗਾਓਂ ਤੀਤਰਮ। हरियाणा से हैं? हरियाणा से। तो सरकार तो कह रही कि वापस नहीं लेंगे, साफ कह दिया सरकार। फिर हम भी वापस नहीं होंगे, हम भी यही काम, हम भी वापस नहीं होंगे। देखिए जो लोगों का जुनून है अभी भी वही कायम है जो 100 दिन पहले था। और जो लोग हैं साफ तौर पे उनका यही कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाएंगे, पीछे हटने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, बात करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से जो अभी किसानों के अंदर जोश दिखाई पड़ रहा है वो कितना ज़्यादा कायम है, एक देखिए वहाँ पे वैन लगाई गई है और वैन पे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो लोग वहाँ पे आके अपने वक्तव्य दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग के बैठ कर भाषणों को सुन रहे हैं। ये पूरा अभी नज़ारा है ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का, केएमपी का। और आप सब लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। इधर का नज़ारा दिखाइए थोड़ा सा, ये बगल में देखिए ये होटल है और इसी साइड जो सिंघू बॉर्डर पे जत्थेबंदी बैठी है किसानों की वो है, और उसके ऊपर जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है आउटर रिंग रोड दिल्ली की, तो उस पे आज किसानों का चक्का जाम का आह्वान था संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। और ये लोग यहाँ पे बैठ कर किस तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
चाचा जी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है आप लोग की बात, क्या कहेंगे? अच्छा आप नहीं बात करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ये आप लोग की बात सरकार सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे भैया? हमारी बात नहीं सुनाएंगे, मोर्चा है लगाया हुआ, आज़ादी की लड़ाई तो इससे भी ज़्यादा देर चली थी, इसको भी आज़ादी की लड़ाई समझ रहे हैं हम, नहीं तो सारा कुछ मोदी साहब तो बेच देंगे और आर्थिक गुलामी के बाद राजनीतिक गुलामी हो जाएगी। 100 दिन हो गए आपके आंदोलन को। हाँ फिर क्या हुआ, 100 दिन ये तो लंबा आंदोलन भी चल सकता है, जितना मर्जी लंबा चले बैठे हैं। तो गर्मी आ रही है, गर्मी में दिक्कतें नहीं होंगी आप? सर्दी में ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्मी में क्या कपड़े उतार के बैठ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। धूप है, खुली धूप में ठंड गर्मी लगेगी, मैं क्या लगेगी नहीं, हमको लड़ाई में सब कुछ सहन करना पड़ता है। मोदी साहब भी सब्र देख रहे हैं, हम भी डट के खड़े हैं, जीत कर। साहब तो कल जाके बंगाल में रैली कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं ना लड़ाई करने, हमारी नेतागण भी जा रहे हैं, मोदी जी को बंगाल में भी हराएंगे। हाँ बंगाल में हरा दोगे आप लगता है? हाँ 100% हरा देंगे। बंगाल के लोग आप लोग की बात सुनेंगे? चलो जी सुनेंगे, जी सुनेंगे, जी सुनेंगे, बंगाल के आदमी सुनेंगे, हम बोलेंगे जाके उसको तो सुनेंगे, कितना आदमी है लाखों के हिसाब से बैठा है इधर, तो सुनेंगे जरूर जो हमारे। आप बताओ चाचा। हम मर जाएंगे, मरा हक लेकर जाएंगे, चाहे हमने बड़ा जियो। काला पट्टा क्यों बांधे हो आप? हाँ काला पट्टा क्यों बांधे हो? के काला पट्टा रोज का है माम ही। हाँ, हाँ, माम भाई गंडा शील लाठी लाग जाए ओठ का गब मारेंगे उसका। अच्छा है, उसका खून नहीं आवागा फिर। ऐसे बोल रहा है, काला पट्टी का सेवन है, काला पट्टी। हाँ काला पट्टी नहीं बोला माम, इन्हें खत्म करेंगे, शाही कलम न इसकी न मोदी की न। अरे वैर जी खालसा वैर जी फतेह, मैं गुरतेज सिंह लौंगाल तो बोल रहा जी। यह मोदी सरकार किसानों ने धक्का कर रही है, किसान ये तो नहीं है भी नीमे हो जाएंगे मोदी के साथ पूरे। किसान तो ऐसा बना हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ, मिट्टी ना मिट्टी है पर मिट्टी से ही बना है, मिट्टी खप जाएगा पर मोदी मुझे झुकेगा नहीं, तीनों कानून रद्द कराएगा, MSP भी लागू करवाएगा और 2020 बिजली का जो बिल दिया वो भी माफ कराएगा, रद्द कराएगा, और जो आगे मोदी चलेगा तो संघर्ष और तेज किया जाएगा किसानों वालों। पर मोदी का एक सब सिखाने के बंगाल बिहार जो उत्तराखंड जहीं भी वोटा पै रही ने, जहीं हमारा भाई सभी जाएगा, नहीं जाके सब प्रचार करेंगे मोदी को हराओ, मोदी को हराओ, बस इतनी बात है, इतनी सी बात। हाँ इतनी बात है, मोदी को हराएंगे बस। मोदी की सरकार नहीं छोड़ दे माम, हमारी सरकार बनावांगे, अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ हमारी सरकार किसान की, जिनका वोट पाएगा उनकी सरकार बनाएंगे, हम हमारे जोर से बनाएंगे। बंगाल के लोग आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बंगाल के लोग तो आपकी मान, हमारी बात तो बहुत मान रहे हैं, मोदी को नीमा दिखा देंगे, वोटों में छल्ले लगा रहे हैं जमीन। अब बंगाल में सरकार भाजपा की नहीं बनेगी और किसी पार्टी से बनेगी, और हम तो एक ही कहते हैं किसान लोग, मोदी इसके भाजपा के साथ वोट ना दियो और किसी से पा रहे हो, मोदी को हरा दियो बस, ऐसा है हमारा। मतलब लड़ाई एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, और किसानों की यही मांग है, और किसान यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में बैठे हुए हैं, बहुत सारे किसान हैं जत्थेबंदियाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर तैनात हैं, वो लोग आज ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे आके अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, काले झंडे लिए हैं और माथों पे भी काली पट्टी लगाए हुए हैं, और एक तरफ जहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं जो बड़े गण हैं वो भाषण दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग बैठ कर उन्हें शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।